सो गाइस, आज आपका भाई सिखाने वाला है आप लोगों को कुछ इस टाइप का HD फेस स्मूथ कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो एडिटिंग। सो गाइस, यहां देख सकते हो जो हमारा बैकग्राउंड भी है वो कितना ऑसम तरीका से लग रहा है। तो देन हम लोग अपना जो वीडियो है उसको देन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो हमारा एयर ब्रश है देन उसको हम लोग ओपन करेंगे गाइस। यहाँ देन हम लोग जो अपना मॉडल है उसका फेस स्मूथ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपने एयर ब्रश ओपन करोगे तो देन आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। उसके बाद यहाँ आप लोगों को लाइब्रेरी पे क्लिक कर लेना है। लाइब्रेरी पे क्लिक कर लेने के बाद गाइस, यहाँ आप लोगों का जो मॉडल है उसको आप लोगों को यहाँ ऐड कर लेना है। सो ओके गाइस, सो गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल है उसको हमने अपना एयर ब्रश पे ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने के बाद गाइस, इसको हम लोग ऑटो तरीका से पहले सो थोड़ा सा जो हमारा मॉडल है उसके फेस को स्मूथ करेंगे। देन उसके लिए आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। उसके बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ सबसे फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा होगा, देख सकते हो मैजिक। देन ओके गाइस, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। यहाँ देख सकते हो इसको आप लोगों को बढ़ा लेना है, ठीक है। उसके बाद बिफोर इन आफ्टर देख सकते हो, मैं आप लोगों को यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। बिफोर इन आफ्टर, इस मैजिक पे क्लिक करते ही जस्ट हमारा जो आधा पिंपल एवं दाग धब्बे थे वो सब गायब हो गया है। देन उसके बाद क्या करना है गाइस, इसको हम लोगों को यहाँ से कर लेना है राइट। राइट कर लेने के बाद गाइस, यहाँ थोड़ा सा हम लोग स्वाइप करेंगे। स्वाइप कर लेने के बाद गाइस, देन यहाँ हमें शो होगा एक स्मूथ का ऑप्शन, ठीक है। देन उस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद गाइस, यहाँ आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। उसके बाद गाइस, यहाँ आप लोगों को शो हो रहा होगा, देख सकते हो हैवी, ठीक है। उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है और जो अपना मॉडल है उसको जूम कर लेना है। और अब कुछ इस तरह से आप लोगों को जो अपना मॉडल उसके फेस पे ब्रश को चलाना है। तो आफ्टर ऑल देख सकते हो गाइस, जो हमारा मॉडल का फेस है कितना ऑसम तरीका से स्मूथ हो रहा है। सो गाइस, थैंक यू आज जो लोगों ने कल का वीडियो देखा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। सो गाइस धन्यवाद। जो आप लोग भी वीडियो बनाते होंगे तो आप लोगों को पता है गाइस कि आप लोग कितना मेहनत लगता है। तो थैंक यू सो मच गाइस जिन जिन्होंने मेरे चैनल को कल सब्सक्राइब किया है। तो ओके गाइस, तो यहाँ देख सकते हो मैं आप लोगों के लिए कुछ इस टाइप का अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग लेकर आता रहूँगा। सो ओके गाइस, अगर आप लोगों को फोटो एडिटिंग भी करवाना है गाइस, तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर DSLR वाला पिक दे सकते हो, मैं आप लोगों का फोटो एडिट करके भी दे दूँगा। सो ओके गाइस, यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल का फेस है कितना ऑसम तरीका से स्मूथ हो चुका है। देन ओके गाइस, उसके बाद देन क्या करना है हम लोगों को, यहाँ से गाइस इसको हम लोगों को कर लेना है राइट। राइट कर लेने के बाद गाइस, यहाँ थोड़ा सा फिर से हमें स्वाइप करना है। उसके बाद देन यहाँ हमें शो होगा एक ऑप्शन, देख सकते हो स्किन टोन का। देन उस पर हमें क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक कर लेने के बाद गाइस, यहाँ आप लोगों को उसके बाद यहाँ ऑटो शो होगा, ठीक है। देन उस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद गाइस, यहाँ आप लोगों को देख सकते हो राइट के साइड बहुत सारा कलर दिया हुआ है, ठीक है, फेस के लिए। तो आप लोगों को अपने हिसाब से कोई भी एक कलर चूज़ कर लेना है, जैसे कि हम लोग अपना ये वाला कलर चूज़ कर लेंगे। ओके गाइस, चूज़ कर लेने के बाद देख सकते हो आप लोगों को ये वाला ऑप्शन है, इसको आप लोगों को इस तरह से फुल कर लेना है। उसके बाद देख सकते हो बिफोर इन आफ्टर कितना ऑसम तरीका से जो हमारा फेस है वो ब्राइट हो चुका है। सो ओके गाइस, देन उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से कर लेंगे राइट, ठीक है। राइट कर लेने के बाद गाइस, अब क्या करेंगे, जो हमारा बैकग्राउंड है उसको हम लोगों को बोका बैकग्राउंड बनाना है, ठीक है। उसको हमें अच्छी तरह से प्रोफेशनल लुक देना है और ब्लर भी करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ साइड पे शो हो रहा होगा, देख सकते हो टूल्स, ठीक है गाइस। उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद गाइस, इस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा स्वाइप कर लेना है, ठीक है। स्वाइप कर लेने के बाद देन गाइस, यहाँ आप लोगों को शो होगा, यहाँ देख सकते हो बोके, ठीक है। उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। ये ऑटोमेटिक ही आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो बिफोर इन आफ्टर कितना ऑसम तरीका से जो हमारा बैकग्राउंड है ब्लर हो चुका है, ठीक है। तो देन इसका ओपेसिटी को हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ कम कर लेना है, ठीक है। तो लगभग हम लोग रखेंगे अपना 63% के आसपास। उसके बाद गाइस, जो हमारा यहाँ देख सकते हो साइड पे जो ड्रेस पे यहाँ अंदर की तरफ घुस गया है, उसको हम लोगों को ठीक करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हो आप लोगों को लास्ट पे शो रहा होगा इरेजर टूल, उसको ले लेना है। और यहाँ जो हमारे शर्ट के अंदर थोड़ा सा चला गया है उसको हम लोगों को कुछ इस टाइप से इरेज कर लेना है। तो आफ्टर ऑल यहाँ देख सकते हो गाइस कितना ऑसम तरीका से जो हमारा बैकग्राउंड है ब्लर हो रहा है। सो ओके गाइस, उसके बाद जो हमारे यहाँ चश्मा पे ही थोड़ा सा अंदर चला गया है उसको भी हम लोग यहाँ कुछ इस टाइप से इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरा फोटो का क्वालिटी थोड़ा सा लो है गाइस, इसलिए ये अंदर चला गया है, ठीक है। अगर आप लोगों का जो फोटो का क्वालिटी अच्छा रहेगा तो गाइस आप लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगा, जस्ट एक क्लिक में आप लोगों का बोका बैकग्राउंड
बन जाएगा और ऑसम तरीका से ब्लर भी हो जाएगा। तो देन हम लोग यहाँ अच्छे से जो अपना सर पे चला गया है उसको हम लोग कुछ इस टाइप से इरेज कर लेते हैं। सो ओके गाइस, तो यहाँ देख सकते हो गया। उसके बाद देन क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से कर लेंगे राइट। राइट कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल का फेस है कितना ऑसम तरीका से स्मूथ हो चुका है। देन उसके बाद इस फोटो का हम लोगों को यहाँ से कर लेना है सेव। सो ओके गाइस, सेव कर लेने के बाद इस फोटो को अब लेके चलना है गाइस हम लोगों को अपना स्नैपसीड में, वहाँ हम लोग इसका क्लियरिटी को एडजस्ट करेंगे। सो ओके गाइस, तो यहाँ देख सकते हो मैंने अपना स्नैपसीड ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को बीच पे शो हो रहा होगा, देख सकते हो एक प्लस वाला आइकन, ठीक है, उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस जो आप लोगों का मॉडल है उसको आप लोगों को ऐड कर लेना है, जो हमने अभी अपना एयर ब्रश से फेस को स्मूथ किया था ओवाला को, ठीक है। ऐड कर लेने के बाद गाइस यहाँ आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। उसके बाद देन आप लोगों को यहाँ बीच पे शो हो रहा होगा, देख सकते हो टूल्स, उस पर आप लोगों को देन क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद गाइस इसका हम लोग डिटेल को पहले बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ डिटेल पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद गाइस इसको हम लोगों को कुछ इस टाइप से यहाँ बढ़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको लगभग रखेंगे अपना 88%। उसके बाद इसको ऊपर के साइड कर लेंगे, ठीक है। ऊपर के साइड कर लेने के बाद गाइस इसको भी हम लोग यहाँ लगभग बढ़ाएंगे अपना 48% के आसपास। ओके गाइस, उसके बाद देन क्या करेंगे हम लोग इसको यहाँ से जाके कर लेंगे राइट। सो ओके गाइस, राइट कर लेने के बाद देन यहाँ ऊपर पे आप लोगों को शो हो रहा होगा एक टेढ़ा तीर का आइकन, देन उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद गाइस यहाँ देख सकते हो आप लोगों को शो हो रहा होगा व्यू एडिट, उस पर आप लोगों को चले जाना है, ठीक है। व्यू एडिट पे जाने के बाद गाइस यहाँ आप लोगों को शो होगा, देख सकते हो डिटेल, उस पर जाना है। डिटेल पे जाने के बाद गाइस यहाँ बीच पे आप लोगों को शो हो रहा होगा एक ब्रश का आइकन, उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है, ठीक है गाइस। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ आप लोगों को यहाँ ए वाला ऑप्शन है, उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों को आफ्टरऑल जो अपना फेस है वहाँ से आप लोगों को कुछ इस टाइप से इसको हटा लेना है। सो गाइस यहाँ देख सकते हो हमको कुछ इस टाइप से अच्छे से इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ मैं जल्दी जल्दी से हटा लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सो गाइस आप लोग जानते ही होंगे यार कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। तो सो गाइस जो चैनल पे नए हो यार प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देन ओके गाइस, तो यहाँ देख सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोगों को यहाँ से हटा लेना है। सो ओके गाइस, हटा लेने के बाद देन अब क्या करना है हम लोगों को यहाँ से जाके इसको राइट कर लेना है, ठीक है गाइस। राइट कर लेने के बाद देन आप लोगों को यहाँ से आ जाना है ए वाला ऑप्शन पे क्लिक करके बैक। बैक आ जाने के बाद गाइस देन आप लोगों को फिर से जाना है यहाँ टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद गाइस यहाँ आप लोगों को देख सकते हो टून इमेज शो हो रहा होगा, ठीक है। देन उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ एम्बुलेंस शो हो रहा होगा, उसको आप लोगों को कुछ इस टाइप से बढ़ा लेना है लगभग आप लोगों को 44% के आसपास, ठीक है गाइस। उसके बाद आप लोगों को फिर से यहाँ सेल्स चले जाना है। यहाँ पे देख सकते हो ए वाला ऑप्शन, उसको भी आप लोगों को कुछ इस टाइप से यहाँ बढ़ा लेना है लगभग 50%। देन ओके गाइस, उसके बाद आप लोगों को फिर से यहाँ आप शो हो रहा होगा देख सकते हो राइट, उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद गाइस फिर से आप लोगों को वहीं पे जाना है, यहाँ देख सकते हो टेढ़ा तीर का आइकन है उसी पे, उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद गाइस यहाँ आप लोगों को शो होगा फिर से व्यू एडिट, उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ टून इमेज शो हो रहा होगा, फिर से उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ आप लोगों को बीच पे शो हो रहा होगा ब्रश वाला आइकन, फिर से उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ ए वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, देख सकते हो उस पर फिर से आप लोगों को क्लिक कर लेना है, ठीक है गाइस। क्लिक कर लेने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ वाला ए वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है, उसको आप लोगों को यहाँ से पूरा जीरो कर लेना है, ठीक है। जीरो कर लेने के आफ्टरऑल आप लोगों को कुछ इस टाइप से फिर से आप लोगों को उसी प्रोसेस को दोबारा करना है, जो अपना मॉडल है उसके फेस से हम लोगों को फिर से इसको हटा लेना है। सो ओके गाइस, यहाँ मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है गाइस। तो आप लोग इतना कर लोगे गाइस तो यहाँ लाइट रूम में आप लोगों को आपका भाई एक प्रोसेस दे देगा, जिसकी मदद से आप लोगों का जो फोटो है वो एक क्लिक में एडिट हो जाएगा। सो ओके गाइस, तो यहाँ देन हम लोग जल्दी जल्दी से जो अपना फेस है वहाँ से हटा लेते हैं गर्दन से। सो ओके गाइस, सो गाइस यहाँ देख सकते हो चुका है। उसके बाद देन इसको हम लोग यहाँ से करेंगे राइट। राइट कर लेने के बाद गाइस यहाँ से आ जाएंगे हम लोग फिर से बाहर, ठीक है, बैक कर लेंगे। यहाँ से बैक कर लेने के बाद गाइस इस फोटो को हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पे हैं, उस पर जाके इस फोटो को हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ देख सकते हो एक्सपोर्ट हो चुका है।
सो गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमने अभी अपना फोटो को स्नैपचैट से एक्सपोर्ट किया था वो वाला फोटो को हम लोगों को अपना लाइटरूम में ऐड कर लेना है। सो ओके गाइस, तो देन आपका भाई आप लोगों को एक प्रीसेट देगा, उसको आप लोगों को देन यूज करना है। तो वो प्रीसेट आप लोगों को ए वाला है। ओके गाइस, इस प्रीसेट का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो ओके गाइस, तो देन आप लोगों को यूज़ करना आता ही होगा, नहीं आता हो तो देन आप लोगों को यहाँ जाना है थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे जाने के बाद गाइस यहाँ से आप लोगों को कर लेना है कॉपी सेटिंग, उसके बाद आप लोगों को यहाँ से कर लेना है इसको राइट। राइट कर लेने के बाद देन गाइस आप लोगों को आ जाना है बैक, और जो अपना मॉडल है उसको करना है ओपन। ओपन कर लेने के बाद देन गाइस आप लोगों को फिर से जाना है यहाँ थ्री डॉट पे। थ्री डॉट पे देन जाने के बाद गाइस यहाँ से आप लोगों को कर लेना है इसको पेस्टर सेटिंग। तो आफ्टर ऑल यहाँ देख सकते हो गाइस जो हमारा मॉडल का पीक है कितना ऑसम तरीका से एक क्लिक में बिफोर एंड आफ्टर एडिट हो चुका है। तो देन यहाँ आप लोगों का थोड़ा थोड़ा सा यहाँ देख सकते हो रेड दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को कवर करने के लिए यहाँ आप लोगों को जाना है कलर पे, यहाँ मिक्स टूल पे। सो ओके गाइस, जो अपना रेड कलर है उसका आप लोगों को सेचुरेशन को आप लोगों को यहाँ माइनस कर लेना है, और हुई को यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा प्लस के साइड या माइनस के साइड आप लोग अपने हिसाब से देख के कर लेना, ठीक है। तो लगभग हम लोग अपना 73% रखेंगे। जब नए वाला कलर है गाइस इसका भी हुई को हम लोग यहाँ लगभग 32% करेंगे, और यहाँ सेचुरेशन को गाइस हम लोग करेंगे अपना -10%। आफ्टर ऑल यहाँ देख सकते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर जो हमारा मॉडल है उसका पिक कितना ऑसम तरीका से एडिट हो चुका है। सो ओके गाइस, तो गाइस वीडियो कैसे लगा मुझे प्लीज ज़रूर बताएं, और चैनल पे नहीं हो तो गाइस प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करें दें। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।